पूरी विस्मयता में हम लोग पड़े हुए। हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे वेद कहते हैं आपका दिया गया एक बांस की पिटारी कितना वंश बढ़ाती है और कितना सौभाग्य बढ़ाती है आपको नहीं मालूम पड़ पाएगा। आप सब फैशन में जी रहे, सब फैशन। काशी में एक व्यक्ति टेबल लगाकर भस्म बेच रहा था, भस्म बेचे। एक अंग्रेज वहां से निकला, उस अंग्रेज ने भस्म के उस टेबल के पास जाकर, भस्म की उस दुकान पर जाकर पूछा कितने का है। उसने कहा 20 रुपए का, ओनली 20 रुपीज। उसने पैकेट उठाया, देखा, अंग्रेज ने पूछा इसकी एक्सपायर डेट क्या है। दवाई की एक्सपायर डेट होती है, भस्म की एक्सपायर डेट होती है। जो बेच रहा था उसने अंग्रेज का मुंह देखा और मुख देखकर कहा सर इसकी एक्सपायर डेट का तो नहीं मालूम, परंतु जब तक शंकर जी पे चढ़कर तुम्हारे सिर पे लगती रहेगी तुम्हारी एक्सपायर डेट खसती रहेगी। इसकी एक्सपायर डेट का नहीं मालूम, पर भस्म का तिलक लगाने वाला, शिव को भस्म चढ़ाने वाला, उस भस्म को मस्तक पर धारण करने वाले की क्या एक्सपायर डेट होती है ये नहीं मालूम पड़ता। वो एक्सपायर डेट खसती चली जाती है, निकलता चली जाती है। इसका नहीं, हम भगवान को जो समर्पित कर रहे हैं, हम भगवान को जो चढ़ा रहे हैं, हमारा दिल, हमारा हृदय, हमारी चित्त, हमारी वृत्ति हम भगवान को दे रहे हैं, तो क्या भगवान हमारा साथ नहीं देगा। संत नामदेव जी की एक शिष्या थी जनाब, जिसने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद में 5 वर्ष की हुई थी जनाबाई और उनकी माता ने प्राण छोड़ दिया था। जनाबाई के पिता दमाजी जी उनको ले गए और ले जाकर पंडरपुर में दामा शेट्टी जी के यहां नामदेव जी के घर पर उनके पिताजी के पास में दामा शेट्टी जी के यहां उस जनाबाई को छोड़ दिया। दामा शेट्टी जी ने कहा कि तुम्हारी पुत्री है, तुम्हारी बेटी है, इतनी छोटी सी लड़की को, इतनी छोटी सी कन्या को तुम मेरे घर में छोड़कर जा रहे हो, ये बच्ची कैसे रहेगी। दामा शेट्टी जी ने जैसे ही कहा तो उस समय पर दामा जी ने कहा महाराज, दामा जी कहे महाराज थोड़ा सोचा, मेरी बेटी को मैं आपके पास रखकर जा रहा हूं, इसको सेवा में लगाकर जा रहा हूं, आप इसको रखिए, मैं 4 दिन के लिए पंडरपुर आया था, 4 दिन के पंडरपुर में मैं मेरी बेटी को दर्शन कराने लेकर आया था, मेरी पत्नी नहीं, मेरी पत्नी चली गई है, इसको पालेगा कौन, इसका ध्यान रखेगा कौन, आप इसको रखिए। मैंने देखा मेरी बेटी पंडरी नाथारी विट्ठल की सेवा में लगी हुई है, झाड़ू लगाती है, सेवा करती है, तो यहां से नहीं जाना चाहता, तो नहीं जाना चाहता, यही जनाबाई जगह की नहीं थी, यही परवणी के पास की थी। गंगा खेड़ा परवणी के पास, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि ये जो जनाबाई की कथा है ये सतयुग की नहीं है, ये त्रेतायुग की नहीं है, ये द्वापर की नहीं है, ये कथा कलयुग की है, कि कलयुग में भी प्रशासन नहीं है। विचार करो, कई लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज तो इतनी बड़ी बड़ी बात कर देता है तो क्या भगवान आएगा क्यों रे बाबा। वो जनाबाई चक्की पीसती थी, गेहूं अनाज डालकर पीसती थी, और जब भजन गाने में लग जाती थी और हाथ रुक जाता था तो वो पांडुरंगा नहीं आता था,
विठल आता था कि नहीं आता था? जनाबाई तो भजन में लीन और वो विठल चक्की चला रहा और जनाबाई भजन गा रही और इतनी मस्ती में पांव पसार कर बैठी है जनाबाई, पांव लंबा कर कर और भगवान उसके सामने पांव के पास मेरा विठल बैठा है, वो पांव लंबा कर कर चक्की चला रही है और विठल उसके पांव के पास बैठा हुआ। और लोग कहे भगवान आता है, भरोसा पूरा रखना, विश्वास टिकने मत देना, टिकने मत देना, विश्वास अगर टिक गया तो भगवान कभी नहीं आता। कैंसर जैसी भी बीमारी है ना, लीवर और किडनी भी डैमेज हो गई है, ब्रेन ट्यूमर भी हो गया, एक पत्र आया है कल के पत्र में होगा कि लड़के का ब्रेन खराब हो गया, कहीं माँ बेटी होगी, पत्र ढूंढूंगा, समय लगेगा, जिसने भेजा था वो अगर बेटी हो तो खड़ी हो सकती है। लड़के का ब्रेन पूरा पूरा खराब हो गया, हैदराबाद में ले जाकर भर्ती करा, अगर वो बेटी हो तो थोड़ा सा स्मरण उस पत्र का, ढूंढेंगे पत्र तो टाइम लगेगा, डॉक्टर ने कह दिया ये ब्रेन काम नहीं करेगा, ब्रेन बेकार हो गया 12 वर्ष तक, और पत्र होगा या नीचे आप लोग अगर ढूंढेंगे तो पत्र में नीचे आप ढूंढना, सिंहासन के नीचे पढ़ के ढूंढ कल मेरे हाथ में देना। 12 वर्ष तक लड़का हॉस्पिटल में से लाकर घर पर पड़ा रहा, ना माइंड काम कर रहा था ना शरीर काम कर रहा था, और बेलपत्री और शिवजी पर चढ़ा हुआ रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा और वो लड़का पलंग पर से उठ गया और अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। पत्र बोल रहा विश्वास है ना, विश्वास तो दिखने में तो शंकर के मंदिर जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, एक बेलपत्री समर्पित कर रहे हो, एक चावल का दाना तुम शिव को चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान की आराधना अर्चना दिल से कर रहे हो, और उस बीच में तुम्हारे भीतर कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई दिखावा नहीं। दिखावे का कोई कोई नहीं, और अगर बिना दिखावे के, बिना कोई छल के, बिना कोई कपट के, बिना कोई बेईमानी के आप शंकर भगवान को दिखा रहे हो, कैंसर जैसा रोग भी इस व्यासपीठ में इन पत्रों के माध्यम से देखा कि ठीक हो गया, डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि कैंसर कहां चले गया, ये कल अभी परसों कल की कथा में देख रहे थे, आहार नली में कैंसर, आहार नली में कैंसर और नाक में से पाइप डालकर लिक्विड दे रहे हैं और उल्टी आ जाना, वोमिटिंग हो जाना और वोमिटिंग के माध्यम से नली निकल भी जाना और कैंसर भी समाप्त हो जाना और आहार नली वापिस चालू हो जाना और खाने में मन भी लग जाना, ये कौन करेगा? ना जाने कितने कीमो करवाना पड़ते, ना जाने कितनी थेरेपी करवाना पड़ती, ना जाने कितनी औषधियां खाना पड़ती, तब जाकर ये शरीर का थोड़ा सा रोग समाप्त हो पाता कि नहीं हो पाता वो भी नहीं मालूम था। पर विश्वास भरोसा दृढ़ता जब जागृत हो गए ये शिव वो परीक्षा लेगा, थोड़ी बहुत ले ले, थोड़ी बहुत ले लेगा, वो उसकी काम ही है, पहले परखता है सोने को सुनार, पहले फूक मार कर ठोक कर बजा कर निखारता है बिस्कुट की कीमत और आभूषण की कीमत में अंतर होता है, बिस्कुट से आभूषण थोड़ा महंगा होता है क्योंकि बिस्कुट में कारीगरी नहीं होती, आभूषण में कारीगरी होती है, इसलिए हार की कीमत, अंगूठी की कीमत, ब्रेसलेट की कीमत, चूड़ी की कीमत बढ़ जाती है, बिस्कुट लाओ उसकी कीमत दूसरी होगी, आभूषण खरीद के लाओ उसकी कीमत बढ़ जाएगी, तुम दुकान वाले से कहो बिस्कुट तो इतने का तुमने कीमत बना दी, अरे मैडम फालतू की बात करो मत, हमने कारीगरी भी तो करी है, उसको कितना निखारा भी तो है, कितना जोरदार बनाया भी तो है, वो कारीगरी की कीमत कौन देगा, मेहनत की कीमत कौन देगा, उसी तरह भगवान तुम्हारा थोड़ी बहुत परीक्षा लेगा, सोने के बिस्कुट को निखार कर आभूषण बना देगा तब तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी। माना पहले नौकरी की चली गई पर तुमने विश्वास रखकर शंकर को एक लोटा जल को चढ़ाया, तुमने विश्वास रखकर शंकर भगवान को एक बलपत्र को चढ़ाया, तुमने विश्वास रखकर शंकर भगवान को एक चावल का दाना को चढ़ाया, मैं तो बेटा और बेटियों से नहीं करूंगा, तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रहा, बहुत टेंशन में जिंदगी जी रहे हो, तो शंकर की शरण में चले जाओ, शिव के पास जाओ, तुम्हारा कर्म करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, सब कुछ करो, तुम अपना अध्ययन करते रहो और शंकर का द्वार मत छोड़ना, ये विचार करके जाना कि मेरी एक ट्यूशन मेरे भोले नाथ के पास में है, उसके पास जाऊंगे तो रिजल्ट बनाने वाला बैठा है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो शिव के द्वार पर जा रहा है, शंकर के मंदिर जा रहा है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है, शिव की अर्चना कर रहा है, शंकर का गुणगान कर रहा है, और जितने लोग इस महापुराण की कथा को चाहे आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक पर सुन रहे हो, चाहे परली भेजना किस धारा पर सुन रहे हो, ध्यान लगाकर सुनना, जो दिल से तुमने शिव जी को लगा लिया हृदय से, और ये दिल ये मन ये चित्त ये वृत्ति अगर आपकी शिव से लग गई है तो चिंता मत करना, शंकर एक बार अगर दिल लगा लेता है तो मेरा शिव फिर कहीं तुमको छोड़ता नहीं, मेरा शिव छोड़ता मेरे शंकर नहीं। शंभो
अब दिल लगाइए उस पर छल के साथ नहीं, बेईमानी के साथ नहीं, दिखावे के साथ नहीं। दिखावा नहीं करिए शिव जी के लिए। मन मन दिल हृदय चित्त लगाया जना भाई पांव लंबा कर बैठी और विठल उनकी चक्की को चला रहा, झाड़ू लगा रही थी। मेरे विठल नाथ ने आकर कह दिया, ओ जना जना झाड़ू मुझे दे दे। जना भाई बोली, तू कौन? बाल्यावस्था जो जना भाई का था ना, वो बड़ा सुंदर था। जना भाई का अगर कहीं फोटो मिल जाए तो दे देना, दुनिया भर की विश्व सुंदरियां फीकी रहेगी जना भाई के आगे। इतनी सी सुंदर थी जना भाई, छोटी सी 5 वर्ष की लड़की को जब जना भाई को पिता ने नामदेव जी की यहां छोड़ा था, दमाशक्ति जी की यहां छोड़ा था, एक दर्जी के घर में छोड़ा था, चोटी बांधती, लहंगा पहनती, चोली पहनती, एक छोटी सी रुपट्टा उसके कंधे पर डला रहता और कंधे के रुपट्टे को खींच कर कमर में बांधकर और झाड़ू लेके सीधे हरि विट्ठल के मंदिर में पहुंच जाती। झाड़ू लगाती रहती, लगाती रहती, लगाती रहती। जब मंदिर में कोई नहीं रहता तो मेरा हरि विट्ठल बाहर निकल कर आ जाता और विट्ठल बाहर आकर बोलता, वो जना जना जना। बोले, हाँ बहुत भूख लग रही होगी तेरे को, ले मैं देता हूँ। और भगवान ने जेब में से थोड़ा सा चना निकाला, थोड़ी सी चावल चिवड़ा निकाला और चिवड़ा निकाल कर जना भाई को दिया और दोनों विट्ठल और जना भाई कमल चौक में बैठ कर दोनों पचक्का लगा कर और दोनों चिवड़ा खा रहे। और इतनी देर में जना भाई का चिवड़ा विट्ठल नाथ ने थोड़ा ज्यादा ले लिया तो जना भाई उठ के बाहर चली गई। तो भगवान उसके पीछे दौड़ दौड़ कर गए, जना अंदर चल। जना भाई 5 साल की लड़की जना भाई कहती है, तू मेरा पूरा की पूरा चिवड़ा खा गया, मेरे को तेरे से बात नहीं करना चाहिए। जना भाई ने कहा, सोगन खा, आगे से कभी मेरा चिवड़ा तो नहीं खाएगा। तो इतने में पंडरीनाथ बोले कि किसकी पसंद खाऊं तू बता। जना भाई बोली, नामदेव की खा जा, तेरा गुरु है, तेरा गुरु, और तू उसकी कसम खिलवा रही है। ए जना, अपने गुरु की कसम खिलवा रही है। जना भाई आंख में आंसू भरकर बोलती है, कसम इसलिए तो खिलवा रही हूं कि मेरे गुरु के कभी प्राण जाएंगे नहीं, मेरा गुरु मेरे सामने रहेगा, इसलिए कसम खिलवा रही हूं। एक बार जना भाई झाड़ू लगा रही और वहां के ब्राह्मणों ने जना भाई को भगवान का हार चोरी कर लगा दिया कि भगवान का हार चले गया, हीरे का हार चले गया, चोरी करी। कौन ने चोरी करी? इनकी संगता गई, जना भाई ने चोरी करी। जना भाई को पकड़ा, जना भाई को पकड़ा, हार बन गया, झाड़ू तू लगाती थी, भगवान के कपड़े तू धोती थी, सब काम तू करती थी, पता ओछा तू लगाती थी, हार बन गया, दबाव बनाया, जना भाई को आखिरी में ले जाकर चंद्रभागा नदी के तट पर ओखला बनाया, जिसने सूली लगाई, सूली पर जना भाई को लटकाने लगे। जना भाई रोती हुई नामदेव जी के पास पहुंची, गुरु जी मुझे फांसी की सजा हो रही है। तो गुरु जी ने बोला, उसमें कौन सी डरने की बात है, फांसी की सजा हो रही है, खुश होकर जा, जा खड़ी हो जा, हार तूने नहीं लिया तो फिर सब निपटा जाएगा, तू जा खड़ी हो। गुरु भी दमदार है और अगर गुरु दमदार है तो शिष्य को टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर गुरु दमदार है तो शिष्य को टेंशन करने की जरूरत नहीं। खड़ी हो गई जना भाई और खड़ी होकर जब द्वारपालों ने पूछा, सूली पर चढ़ने वाली है जना भाई, सच बोल दे चोरी किसने करी? तो मैं काई को चोटी, चोटा तो मंदिर के अंदर बैठा है, मैं काई को चोटी, दुनिया के लोग उसको चोटा कहते हैं, मक्खन चुराता था, गोपी की चीज चुराता था और मेरे पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, सूली पर लटका दो तुम, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जना भाई भगवान को दोस्त भी कहती थी, पिता भी कहती थी, माता भी कहती थी, सखा भी कहती थी। इत्र और जना भाई कहती है, ये दोनों बड़े काम के होते हैं। इत्र बदबू को दबा देता है और मित्र दोस्त की गलतियों को दबा देता है। अब इत्र तो जाने दो, मित्र तक आ
आज देखे तुम चढ़ाओ सूली पर। नामदेव जी अंदर बैठे अपने कक्ष में विठल विठल और जनाबाई चंद्रभागा नदी के तट पर चंद्रभागा नदी की धार को देखकर कहती है वाह वाह चंद्रभागे क्या पुण्य करा होगा तूने जो हरि विठल के चरणों में गिर रही है। और सूली लाई गले पे लगाई जैसे ही गले पे लगाकर खींचने वाले थे इतनी देर में तो मेरे विठल नाथ का दरवाजा खुला एक किरण सामने से निकली और वो किरण निकलते से जो सूली थी वो पिघल कर नीचे गिर गई। जनाबाई छूटकर मंदिर के अंदर गई और जाते से पूरे नगर में सूचना हो गई ये साधारण नहीं है रे साधारण नहीं है। जनाबाई बड़ी हो गई नामदेव जी के घर के सामने रहने लगे बहुत चर्चा पूरे विश्व में चर्चा हो गई अरे नामदेव की चेली बड़ी गजब भजन में इतनी लीन रहती है इतनी लीन रहती है जिसका वर्णन नहीं हर जगह एक ही चर्चा नामदेव जी की शिष्या नामदेव जी की शिष्या को मालूम पड़ गया काशी में कबीरदास जी को मालूम पड़ा तो कबीरदास जी ने सोचा ऐसा शिष्या तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी इतना नाम अच्छा जिसका नाम होता है उससे मिलने की तमन्ना भी होती है जाके देखे तो सभी पगला पगला ध्यान काशी में रह रहे थे कबीरदास और कबीरदास जी काशी में से निकले और ने कहा तो कुछ भी हो जाए नामदेव की शिष्या से मिलना और कबीरदास जी आ गए पंडरपुर और पंडरपुर में जैसे ही आए और वहां तो चल रहा था झगड़ा और झगड़ा किसी दूसरे का नहीं चल रहा था जनाबाई का उसकी पड़ोसन से चल रहा था। अब बताओ जिसका इतना नाम सुना कितनी आस लेकर आए कितनी आस संत होगी सन्यासन होगी एकदम धौला कपड़ा पहनी होगी क्योंकि संत की धौला कपड़ा पहनी होगी नामदेव जी की शिष्या नामदेव जी ऐसे रहे उसकी शिष्या कैसे थी कपड़ा वपड़ा एकदम धौला पहनी होगी माला हाथ में होगी जप कर रही होगी भजन कर रही होगी गिटार हाथ में होगा पिटारा हाथ में होगा खूब भगवान का स्मरण कर रही होगी भजन में नाच रही होगी। उन कबीरदास जी तो इतने सपने देख के आए थे यहाँ आते से सारे सपने टूट गए यहाँ पर झगड़ रही थी यहाँ तो जनाबाई झगड़ रही है पड़ोसन से लड़ रही है। कबीरदास जी के दिल के अरमान आंसुओं में बह रहे कबीरदास जी के सारे अरमान पानी में बह गए। मैंने तो सोचा था इतनी विद्वान होगी और ये तो झगड़ा कर रही है और ये सिर्फ झगड़ा कबीरदास जी खड़े हो गए। कबीरदास जी ने मन में सोचा झगड़ा किस चीज का कर रही है जरा जानने को सही और कबीरदास जी खड़े हो गए और खड़े होकर कबीरदास जी ने देखा खूब जोरदार लड़ाई हो रही है खूब जोरदार अच्छी जैसी जैसी हो रही है खूब जोरदार वो इसको खींचे वो उसको खींचे और कबीरदास जी ने देखा लड़ाई जोरदार हो रही थी थोड़ी देर बाद लड़ाई थोड़ी सी ठंडी हुई ठंडी होते से कबीरदास जी ने पूछा ए जी जी इधर ए जी जी इधर हां हां इधर 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 हां क्या नाम है तुम्हारा जनाबाई। कबीरदास जी मन में सोचे संत का नेचर ऐसा क्यों लड़ रही थी उससे उसने मेरा कंडा ले लिया उसने मेरी गोबरी ले ली कंडा वो गाय के गोबर का कंडा उसके पीछे लड़ रही है और क्या। कबीरदास जी ने कहा ऐसे कंडे और बाजार में मिल जाएंगे और नहीं नहीं मुझे मेरा ही कंडा चाहिए उसने लिया। कबीरदास जी ने सोचा नामदेव जी का स्वभाव कितना मीठा है और ये जनाबाई तो आग बबूला है कैसी भयंकर भिनक रही है कितना भयंकर क्रोध कर रही है। कबीरदास जी देखते रहे थोड़ी देर बाद राजा के सैनिक निकल कर आ रहा राजा के सैनिकों ने देखा कि झगड़ा हो रहा दोनों को पकड़ कर लेकर राजा के सामने महाराज झगड़ा हो रहा किस बात का झगड़ा इसने जनाबाई कर रही है कि इसने कंडे चुरा लिए इसके क्यों जना सही है जना हाँ मेरे कंडे इसने ले लिए लाओ जरा कंडे इकट्ठे करो कबीरदास जी के पीछे पीछे चले गए राजा के महल में जरा देखे तो सारी कंडे का तेला पड़ा जाकर देखा तो कंडे इकट्ठे कर दिए सारे कंडे एक जैसे थे जनाबाई के भी और पड़ोसन के भी। पूछा राजा तुम कैसे पहचानोगे तुम्हारे कंडे कौन से हैं जनाबाई ने कहा जब मैं कंडा बनाती थी तो ये ऐसा मारती थी तभी मैं कहती थी कंडे पे थप लगाते से कह देती थी तो इससे क्या होता राजा ने पूछा कबीरदास जी भी खड़े तुमने भी राजा से कह दिया ऐसा थप मारने से क्या होता तो जनाबाई बोलती सील लगाई है कंडे पे मेरी वैरायटी का अपनी कंपनी का ईंट बनाते कितने लोग देखिए मकान में जो ईंट काम आती है ईंट में भी नाम लिखा रहता है कहीं का एल एम लिखा रहता है कहीं बीपी लिखा रहता है कहीं के लिखा रहता है ईंट के ऊपर भी सील लगी होती है ये ईंट इस कंपनी की है तो जना भाई ये कंपनी थी जब कंडा बनाती थी ये कप मार के विठल कर देती थी सील लग गई ये विठल का है तो इतने में राजा ने पूछा तुम कैसे पहचानोगे कि तुम्हारा कंडा कौन सा इस पर सबसे हाथ लगे हुए इसके भी पड़ोसन के भी हाथ लगे हुए जना भाई कहने लगी मैंने कंडे पर विठल कहा था तो विठल इस कंडे में से आवाज आना चाहिए वही कंडा मेरा है। कबीरदास की आंख में जल भर गया गजब गजब
कबीर दास जी कहते हैं हम पशु के मुख से राम खिलवाते हैं, हम शिक्षित मुख से राम खिलवाते हैं, कबीर दास जी कहते हैं हम जिंदा के मुख से राम खिलवाते हैं। पर गजब की बात करती है जनाब भाई कि गोबर का कंडा जो निष्क्रिय है उसके मुख से विट्ठल खिलवाएगी। अब तो बड़े आश्चर्य की बात है, राजा ने कहा उठाओ कंडा, कंडा उठाया राजा ने और जनाब भाई से कहा लेकर आओ। राजा के पास जनाब भाई कंडा लेके गई तो कबीर दास जी भी पीछे पीछे चले। राजा ने कंडा उठाया, कान पर लगाया, विट्ठल नहीं बोला, पटक दिया। दूसरा लाए, कान से लगाया, विट्ठल नहीं बोला, पटक दिया। कान से लगाया, विट्ठल नहीं बोला, पटक दिया। कबीर दास जी ने राजा से साफ प्रैक्टिकल मैं भी करूं, थोड़ा बहुत साथ दे दूं, कर ले। उन्होंने एक कंडा उठाया, जो कान से लगाया तो आवाज आ गई, जो कंडे में से आवाज आई विट्ठल, विट्ठल आवाज आते ही कबीर दास जी ने राजा से कहा महाराज इसमें सारे गए, मोहित चालू हो गया। इतनी देर से देख चल, राजा ने जो कंडा उठाया कान से लगाया, विट्ठल की आवाज सुनी, कंडा लग रखा, फिर सुना विट्ठल की आवाज, कंडा लग रखा, जिसमें आवाज नहीं आई वो इधर, जिसमें आवाज आई इधर। राजा उठा कंडे जनाबाई को दिया, राजा ने जनाबाई के चरण पकड़ लिए। लोग कहते थे कि तू नामदेव की शिष्या है, पर नामदेव की शिष्या नहीं, तू मेरी गुरु है। चरण तू नामदेव की शिष्या नहीं, संत नामदेव की, तू मेरी गुरु है, मेरी। कबीर दास जी जाने लगे तो जनाबाई से कहा जना हे जना आप कौन है? कबीर दास जी कहते हैं मैं काशी में रहने वाला कबीरा। ओ कबीरदास, हाँ जो पद गाया करते हैं, हाँ जो भगवान की अविरल भक्ति को स्मरण किया करते हैं, हाँ। जना भाई कहती है अरे मैं आपको पहचान नहीं पाई थी, अब मैं आपको क्या दूं, क्या करूं मैं आपके लिए? कबीरदास जी बोलते हैं कुछ मत दे, कंडा दे दे, कुछ एक कंडा का करोगे क्या? जना भाई ने कबीरदास से पूछा इस कंडे का क्या करोगे? कबीरदास जी बोले इसको मैं म्यूजियम में रखूंगा, इसको जरा अच्छी जगह रखूंगा, ये आवाज आती है जरा समझ ले। राम सेतु का तेरा हुआ पत्थर लोग आज भी लेके आते हैं तो रख लेते हैं, कहीं के मंदिर में तुमने देखा होगा, तो ये कंडा मेरी संभाल कर रखूंगा जिसमें की आवाज आया। इतने में तो जना भाई ने कह दिया कबीरा कंडे की जरूरत नहीं है, केवल विट्ठल का दीदार कर कर चले जा, वो साथ तेरे पीछे पीछे काशी तक चले जाएगा, कंडा ले जाने की जरूरत नहीं। कहां ले जाएगा कंडा कबीरा? कहां? उसका स्मरण मात्र। लोग कहते हैं गुरुजी क्या शंकर के साथ देगा? जब जना भाई के साथ झाड़ू लगा सकता है, चक्की चला सकता है, कपड़े धो सकता है, रंगोली डाल सकता है, सूली पर से टंगी हुई सूली को गला सकता है, पिघाल सकता है, कंडे में से आवाज निकाल सकता है, तो क्या तुम्हारा साथ मेरा परमात्मा नहीं दे सकता? तुम जिसका भजन करो, राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, विट्ठल कहो, दिल से अगर भजे हो तो वो दिल से तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, दिल से। आप उसका भजन करो तो आप उसका स्मरण करो तो महाराज दिल से अगर भजन किया वो मिलेगा। आएगा मिलेगा, और जब आएगा तो जीवन का सारा सुख सारी खुशियां सब दे देंगे। एक लोटा जल, एक बेलपत्र, शिव के मंदिर में जाना, प्रणाम करना, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, जिस चीज के लिए काम कर रहे हो कर्म करो, मेहनत करो, मेहनत के साथ में शंकर भगवान का स्मरण करो, वो फल देगा जरूर, ये निश्चित है। चरणों में संभाल ले, उसके चरणों में जाना प्रारंभ कर दो, संभाल ले। सेठानी कृपा जब करेगी, जब जो सेवी का नौकरानी कोई चीज की 20 साल में चोरी नहीं करी हो तो देगी। अगर मालूम हो कि इसने तो पहले से इतना हमारी चेन रख ली, अंगूठी रख ली, ये रख लिया, वो रख लिया, तो कौन सी नौकरानी को उसके बच्चों की शादी में से खानी कुछ देगी? तो तुम भी मंदिर में जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, तो ऐसी चुट्टाई नहीं करना कि जल चढ़ाते चढ़ाते मन दूसरी जगह लगा लिया, बेलपत्ती चढ़ाते चढ़ाते ये चित्त दूसरी जगह लगा लिया। इसको चोरी कहते हैं कि मन चोरी चला गया, तुम दूसरी जगह चल गए, मन ना लगा लिया। अब शिव भक्ति में शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ निर्माल्य, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल, भगवान शंकर पर चढ़ा निर्माल्य और जल बन सके उठाकर, अगर बहते पानी में नहीं डाल सकते, नदी सरोवर में नहीं डाल सकते, तो एक खड्डा कर लो, एक कुंड बना लो, उस कुंड में उस खड्डे में डालते जाओ, बन जाएगा फूल पत्ती दुर्वा जल सब उसी में जाएगा, तो वो एक खाद बन जाएगा। बनेगी कि नहीं बनेगी? जब खाद बन जाएगी तो किसी भी खेत वाले को, जमीन वाले को बोल देना कि साहब ओरिजिनल खाद है, देसी खाद है, और ऐसी यूरिया ऐसी खाद तैयार होगी जिस जमीन पर डालोगे वहां फसल ही फसल पैदा होगी। आप उसका प्रयोग करो,
कई जगह पर शिवजी पे चढ़ा हुआ जल निर्माल बेहतर नाली में चला जाता था। कई जगह पर बहता बहता वो पानी, बहता बहता वो दूध, बहता बहता वो दही, जल, शहद, बेलपत्र, फूल, पत्ती भी वो नाली के अंदर चली जाती है और वो नाली में फिर गंध आने लगती है। उसकी जगह एक बड़ा कुआं खड्डा कर लो, जैसी भी जिसके अंदर चली जाए और उसमें से खाद निकल कर ऐसा खड्डा जिसमें ढक्कन हो, बाहर गंध भी नहीं आए, अंदर अंदर खाद बनती रहे, वो खाद फिर साल भर, दो साल में, छह महीने में बेच दो, जमीन पर जाएगी, शिव जी का चढ़ा जल फूल पत्ती जब खेत में बिखेरा जाएगा खाद के रूप में, तो जो अनाज उत्पन्न होगा वो भी हजार लाख गुना होगा, उसका फल भी हजार लाख गुना। ये हमें ध्यान देना। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में एक लड़के के पास में कोई काम नहीं था। शिव महापुराण की कथा सुनता था तो उसकी मम्मी ने कह दिया थोड़ा बहुत काम वाम कर लिया कर। एक दिन कथा में कह दिया कि शिवजी पे चढ़ा हुआ निर्माण उठाकर उसकी खाद बना लो। उस लड़के ने सुन लिया, उसने अपने यहां काम करने के लिए 20 लड़के लगा लिए, किराए की गाड़ी कर ली, मंदिर मंदिर गाड़ियों को भेजना चालू कर दिया, फूल पत्ती उठाकर ढेर कर ली, इकट्ठा कर लिया ये प्लाट के अंदर, उसमें उसने सड़ा लिया, सड़ाकर क्योंकि फूल पत्ती सड़ती भी जल्दी है, सड़ाकर फूल फूल अलग कर लिए, पत्ती पत्ती एक साथ इकट्ठी कर ली, उसकी जो खाद तैयार हुई उस लड़के ने 42 लाख का व्यापार कर लिया। ये शिव है, खाद का व्यापार परंतु हम तो ये विचार करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि व्यापार करो, आप तो इतना करो कि जो मंदिर का निर्माण है, मंदिर का जो जल है, मंदिर का दूध दही शहद घी शक्कर, ये कहीं गलत नाली में तो नहीं जा रहा, कहीं गलत स्थान पर तो नहीं जा रहा, कहीं ये हमारी बर्बादी की ओर लेकर नहीं जा रहा, हमें कष्ट की ओर लेकर नहीं जा रहा, उसको श्रेष्ठ जगह पर पहुंचाना, उसको सही जगह पर। जिस कॉलोनी में, जिस सोसाइटी में, जिस जगह पर शिव मंदिर होता है, शंकर मंदिर का जल पानी दूध दही अगर चढ़ा हुआ नाली में जाता है तो उस सोसाइटी, उस मोहल्ला, उस क्षेत्र, उस गांव का विकास होने में बहुत टाइम लगता है, उसको श्रेष्ठ संधि मिल पाती, विकास का नहीं हो पाता। जिसका पानी कुंड के अंदर जा रहा है, बाद में निकलवा लिया टैंकर में, आजकल तो बहुत मशीनें आ गई, पानी जैसे गटर का पानी निकालते हैं, मशीनों चल गई है, पानी डाल दो टैंकर में, भरा गया, खेतों में फिरवा दो, खेत की उपज प्रबल हो, उसको समझे तो ना। हमने आपको कल कथा में कहा था, याद है आपने हमको, कि अपने घर में जो शिवलिंग है, अपने घर के अंदर जो शंकर जी बैठे हैं, अपने घर के अंदर जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल, अपने घर के बाहर जो बगीचा है, पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधे में डाल दिया करो, क्या होगा उससे, शंकर के चढ़े हुए जल को जब हम सामने, एक पत्र और देखो, वो कल के उसमें पत्र है, पति का और बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, जिसने पत्र लिखा था उसको याद हो तो खड़े हो जाना, अरे भाई किसी ने पत्र लिखा था कि पति का और बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, आप ही ने लिखा था, श्री शिवाय नमस्ते, धन्यवाद, आप खड़े हुए, तो आपने पत्र लिखा था दीदी कि एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में भगवान शिव से मैंने कहा कि बाबा आपका चढ़ाया हुआ जल मैं बगीचे में डालती हूँ तो कुछ कृपा करना, मुझे सूचना मिली है कि एक्सीडेंट हुआ है, बचाकर लाने की जवाबदारी आपकी है। पत्र में लिखा था बहन जी ने कि गुरुजी गाड़ी का जो हुआ हो गया, पर पति और बच्चे जो भी जिसका भी एक्सीडेंट हुआ था बाबा की कृपा से वो सुरक्षित घर पहुंच गए। ये शिव तत्व, ये शंकर की करुणा, ये शिव तत्व है, ये शंकर की उदारता। केवल उस जल की महत्ता, जो शंकर भगवान को चढ़ाया गया उस जल को आप कहां रख रहे हो, आप उस जल को कहां छोड़ रहे हो, जैसे आपको कहा शिवजी पे चढ़ाया हुआ जल थोड़ा सा झेल कर लाइए, पियो, बेलपत्र भगवान से मांग कर ला, शिवजी से कहता लाओ कि औषधि चाहिए, मेरा बीपी गड़बड़ हो रहा है, शुगर गड़बड़ हो रही है, बाबा ये बीमारी हो गई है, पर आप बैठे हो ना, आपका नाम महामृत्युंजय है, मैं जानती हूँ मेरे रोग को आप हरण करोगे, बाबा हो मेरे, मेरे पिता हो, मेरे सखा हो, मेरे बंधु हो, बाबा मेरे दुख को मिटा देना, बेलपत्र लाओ उसको खाइए, बाबा की कृपा जरूर उसे संबंध से प्रेम से स्नेह से पास करुण।
समझाना बड़ा मुश्किल है। जैसे जनाबाई ने भगवान विट्ठल से, पांडुरंगा से, हरि विट्ठल से कहा, और मेरे पांडुरंगा मेरे हरि विट्ठल जनाबाई के लिए हर पर हर घड़ी हर क्षण तैयार है। आप कहेंगे वो सुने, मना ना किया। बहुत सुंदर बात आती है शिव महापुराण की कि मां भगवान शंकर के तेज पुंज से, गंगा जी के जल से, श्री सदानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य हुआ। कितना तप माता पार्वती जी ने किया है, कितना तप माता गंगा जी ने किया। जब बहुत व्याधियों में कोई प्रशासनिक व्याधियां हैं, प्रशासन से जुड़ी हुई परेशानियां हैं, कोर्ट अदालत प्रशासन आदि से जुड़ी जितनी जितनी व्याधियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, उससे निवारण के लिए अभिषेक शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान पर काली तिल चढ़ाकर जल चढ़ाया जाता है और उसका जो फल है ये व्याधियों से निकल जाता है। एक बात और याद रखना, अदालत से पीछे ही छूट रहा और अपने को लग रहा है कि ये अदालत में कचहरी में ये केस चल रहा है, छूट ही नहीं रहा है। बहुत भगवान कुछ ऐसा कृपा करे, विजय प्राप्त हो और हम जीते और ये टेंशन से मुक्त हो। तो कुछ दाने काली तिल के बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव लिंग का निर्माण कर भी चढ़ाया जाए, ज्यादा बार नहीं, कम से कम दो या तीन। शिवरात्रि हर महीने आता है, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है। रात्रि के समय पर जाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको तिल का दाना नहीं चढ़ाना है, दोपहर के समय, सुबह के समय, शाम के समय, प्रदोष काल के समय या सुबह, जैसा भी आपको समय मिले उसके अनुसार आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव लिंग का छोटा सा निर्माण कर तिल के दाने समर्पित कर उस शिवलिंग को विसर्जन कर। काशी में एक तिलकेश्वर महादेव का भी मंदिर है काशी के अंदर, जहां पर भगवान शंकर का, और वो मंदिर कोई साधारण नहीं है। काशी के कुछ गिने हुए मंदिर में जहां पर भगवान स्वयंभू विराजमान है और अपनी आकृति बढ़ा रहे हैं, ऐसे तिलकेश्वर महादेव काशी में विराजमान। उनके दर्शन का महत्व क्यों है कि जब कोई प्रशासनिक गतिविधियां गड़बड़ होती है या प्रशासन से जुड़ी हुई या अदालत की कोई बात होती है या अदालत आदि में कोई केस चल रहा होता है, तब तिल का प्रयोग या तिलकेश्वर महादेव का दर्शन मूल माना। यहां तक स्मरण रहे आप लोगों को कि जब कभी आपको ऐसा महसूस हो कि बच्चे गलत संगत की ओर जा रहे हैं, गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं और व्यसन में डूब रहे हैं, या व्यसन की ओर जा रहे हैं, या वैश्यवृत्ति में, या मद्यपान में, या जुए में, या मांसाहार में, या गलत संगत में बच्चे पड़ रहे हैं, उस जगह पर भी तिल्ली को पीस कर शिव का लेपन कर फिर जल का समर्पण कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि ये मंदिर में जाकर करें, आप अपने घर में भी कर सकते हैं, उससे भी परिवार में स्नेह बढ़ता है, संगत जो गलत हो रही है उसे छूट जाता है। आप लोग रोज जो शिव जी को जल चढ़ाने जाते हैं, शंकर भगवान को जल चढ़ाते हो, प्रतिदिन शिव मंदिर में जाते हो, तो भगवान शंकर को जब जल समर्पित करते हो तो ये शिव जी का विशेष ही तो है। जितना माता पार्वती जी ने करा है उतना ही उससे भी अधिक माता गंगा जी ने करा है। शंकर दोनों बहन है, दोनों का स्नेह शिव जी के प्रति, पार्वती जी भी शंकर भगवान को स्नेह करती है और गंगा जी भी भगवान शंकर को स्नेह करती है। पार्वती जी भी भगवान शंकर को पति बनाना चाहती है और माता गंगा भी भगवान शंकर को पति बनाना चाहती है।
पर गंगा जी के पति बनाने में पार्वती जी को मालूम पड़ा कि गंगा जी भगवान शंकर को पति बनाना चाहती हैं और मेरी सगी बहन है गंगा और ऐसा चाहती है, तो पार्वती जी ने थोड़ा सा अपनी सहेली से कहा कि कोई संत पर जल डाल देने से वो संत प्रसन्न हो जाते हैं, वर दे जाते हैं। तब उन्होंने सुन लिया और गंगा जी ने एक लोटा जल दुर्वासा बाबा पर डाल दिया। क्रोध में आ गए, श्राप दे दिया कि तुम मृत्यु लोक में स्त्री के रूप में नहीं रहोगी, जन के रूप में रहोगी। तो वो गंगा जल गंगा बहुत रोई, बहुत। कई बार हमारा कोई काम नहीं होता, हम आस लगा के बैठे रहते हैं, वो काम नहीं होता तो हमको रोना था। पर उस काम को यदि हम भगवान को समर्पित कर दें कि नहीं काम नहीं हुआ ना, भगवान को समर्पित कर दो, भोलेनाथ जी के मंदिर में कहकर आओ कि तुम्हें अच्छा लगे वैसा करना, क्योंकि जैसे माता जी ने लिखा कि एक नौकरी छूटी और दूसरी नौकरी की जरूरत नहीं पड़ी, खुद का जॉब कर लिया, एक नौकरी छूटी तो उनको दूसरी नौकरी मिली तो अच्छा काम मिल गया, तो ये हम भगवान को छोड़ी। गंगा मैया पार्वती मैया दोनों तप करी, जितना माता पार्वती ने तप करा उससे ज्यादा माता गंगा जी ने तप किया, गंगा जी का तप भारी है। पर भगवान शंकर के ऊपर अगर छोड़ दिया, गंगा रोई, खूब रोई कि भोलेनाथ जी मैं आपकी पत्नी नहीं बन सकता, मैं आपकी अर्धांगिनी नहीं बन सकता, मुझे तो आपकी पत्नी बनना है और आप पत्नी पार्वती जी को बना रहे हो। भगवान शंकर ने कहा गंगा तो रो नहीं, आंखों से आंसू मत निकाल गंगा, जो तेरे लिए अच्छा है मैंने वो तेरे लिए सोचा। देखो फिर देखिए कितनी सुंदर बात आई है कि शिव जी के मंदिर में जाओ, भगवान की चौखट पर जाओ, भगवान के दरवाजे पर जाओ, अपनी बात कह दो भगवान से और कहने के बाद भगवान से इतना जरूर कह देना कि आपको अच्छा लगे और हमारे हित का हो तो कहो। यदि हमारे हित का है तो तेरी कृपा बिना नहीं ले लेती मैं श्वास, तेरी कृपा से करूं करूं गंगधार मोति भार मोहारि तू आनो शरण तिहार बकान क्या करूं मैं राखों के चपटी भगोत में खजाना पूरे शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहा है, हम भगवान से कहें जो हमारे हित का हो वो करिए। गंगा मैया खूब रोई तो शंकर भगवान प्रकट होकर बोले क्यों रो रही है गंगा, गंगा पति मैं आपको पति बनाना चाहती थी और आपने पार्वती को पत्नी बना लिया, मैं आपसे वंचित रह गई। भगवान शंकर कहते गंगा मैं तुझको अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहता था, मैं तुझको अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहता। गंगा जी ने पूछा क्यों, मुझ में कमी क्या रह गई, जितना पार्वती जी ने तप करा उतना मैंने करा, जितना पार्वती ने व्रत करा उतना व्रत मैंने करा, जितना पार्वती ने उपासना करी उतनी उपासना मैंने करी, जितना पार्वती ने साधना करी उतनी साधना मैंने करी, फिर कमी क्या रह गई। शंकर भगवान कहते हैं गंगा तेरा तप तेरी साधना तेरा उपास पार्वती से ज्यादा था, इसलिए पार्वती से व्रत कर कर मैं पार्वती को पास में बिठाऊंगा, पर गंगा तेरा व्रत साधना ज्यादा था इसलिए मैं तुझे पास में नहीं बिठा सकता, मैं तुझे सिर पर बिठाऊंगा इसलिए मैं तुझे पत्नी नहीं बना, मैं तुझे धर्म पत्नी नहीं बना सकता। देखिए बाजू में बैठना और सिर पर बैठना अंतर है कि नहीं, अगर मैं तुझे धर्म पत्नी बना लेता और सिर से बिठाता तो लोग क्या कहते बताओ, महादेव ने अपनी धर्म पत्नी के ही सिर से बिठा रखा। कई कई बात तो माए कह देती हैं अपने बच्चों से अपनी लुगाई के सिर से बिठा के रखा है। वाले तो कह देते हैं कुछ भी, तो शिव जी कह रहे हैं मैंने गंगा तुझे सिर पर नहीं बिठाया, मैंने तुझे बाजू नहीं बिठाया, मैंने तुझे सिर पर बिठाया। गंगा रोती हुई कहती है पर अर्धांगिनी तो पार्वती हो गई, शिव जी कहते हैं गंगा मैं तुझे वर देता हूं, पार्वती से मेरा विवाह हुआ है पर मेरी संतान तेरे जल से प्रकट होगी, तेरे जल से प्रविष्ट होगी और तू उनका पालन करेगी। और देखिए 11 संतान गंगा जी के जल से प्रकट हुई भगवान शंकर की, कितनी संतान 11।
गंगा के जल में भगवान शंकर का तेज गुंज गया और जल से छह पुत्रों ने जन्म लिया। कितने बच्चों ने जन्म लिया? छह पुत्र। गंगा के जल से छह पुत्रों ने जन्म लिया। जब छह पुत्र गंगा मैया की गोद में आए तो उन्होंने कृतिकाओं को बुलाया, ऋषियों की पत्नी को, हे कृतिकाओं आप इन बच्चों का पालन करिए। कृतिकाओं ने उन बच्चों का पालन करा, पर कृतिकाओं को पालन करने पर भी बच्चे संतुष्ट नहीं हुए, रोए तो एक साथ, दूध पिए तो एक साथ, बड़े तकलीफ में आ गई कृतिका। कृतिकाओं ने विचार करा कुछ करना पड़ेगा। गंगा के घाट पर कृतिकाओं ने ब्राह्मण की पत्नियों ने ऋषियों की पत्नियों ने छह बच्चों को सुला दिया, हाथ में गंगा का जल लिया। जल लेकर कृतिकाओं ने कहा अगर हमारा सातित्व पक्का है, हमने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, तो ये छह की छह बालक एक हो जाए। जैसे जल छोड़ा छह बालक एक हो गए, मुख छह रह गए, शरीर एक हो गया। कृतिकाओं ने उन बालक को एक करा, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय है। क्या नाम पड़ गया? कार्तिकेय। गंगा के जल से छह तो पुत्र ये हुए और पांच बेटी गंगा के जल से जया, विषहरा, श्यामलीबारी, दौतली और देव, ये पांच कन्या गंगा के जल से प्रकट हुई।